हेलो ब्यूटीज एंड वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली ये वाला लहंगा विच इज अगेन फ्रॉम साइट जोश इंडिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अभी तक मैंने ओपन करके नहीं देखा हुआ, लेजर सी के मुझे कैसा रिसीव हुआ है, पिक्चर से रिसीव होता है या ये नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर मोर एंड मोर। एंड अगर आप और इस साइट से जोश इंडिया के लहंगों का रिव्यू देखना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी लहंगों का रिव्यू कर रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई बटन में फ्लैश ओवर होगा, जस्ट यू कैन चेक इट आउट। एंड या विदाउट एनी मोर डिले लेट्स डू द रिव्यू। सो लहंगा कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई गॉट इट। एंड हियर यू गो, कुछ इस तरीके से ये रिसीव हुआ है लहंगा। और जो लहंगे का फैब्रिक है दैट इज लीची सिल्क, तो बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ सिल्क ये फैब्रिक है, जिसके ऊपर ये यू नो गोल्डन कलर के ये पैटर्न बने हुए हैं सर्कुलर। क्लोज लुक आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर होता जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है, मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। आई गेस ये फर्स्ट टाइम मैं फैब्रिक होल्ड करी इन मरून कलर, तो मरून कलर में है, बहुत अच्छी सी शाइन है। ओवरऑल आपको लहंगा इसी तरीके से मिलेगा, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो तो एग्जैक्ट वैसा ही इसी तरीके से गोल्डन पैटर्न बने हुए पूरे लहंगे पर। एंड बॉटम पर जाकर ना आपको बिल्कुल लहंगे के एंड पर, बॉटम ऑफ द लहंगा पर आपको इसी तरीके से ये लेस मिलेगी। और ये है वेलवेट का फैब्रिक, जिसके ऊपर ये जरी और सीक्वेंस का वर्क हो रखा है। रेड वेलवेट का फैब्रिक बहुत ही प्यारा वर्क हो रखा है, बहुत ही मतलब आई लव दिस पैटर्न, मुझे काफ़ी अच्छा लगे पैटर्न आएगा। ओवरऑल ये सिंपल ही है लहंगा, कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला है नहीं, बस यही फैब्रिक है। इसके ऊपर ये प्रिंटेड है, ये वर्क नहीं हो रखा थ्रेड से, ये प्रिंटेड है, ये प्रिंट्स बने हुए हैं। एंड एंड पर जाकर आपको इस तरीके से लेस मिल जाएगी। और ये कलीदार लहंगा है, बहुत ही अच्छी सी फाइन प्लेट्स बनाई गई है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर का फ्लेयर बना रही है, 4 मीटर का घेरा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा यू नो घेरा मिलने वाला है। उस लहंगा प्राइस है दैट इज 2699। 2699 के अकॉर्डिंग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। देखने में आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा हल्का फुल्का लहंगा, इट नो वेयर हल्का फुल्का लहंगा, काफ़ी ज़्यादा यू नो अच्छा है। एंड अब इनर की बात कर लेते हैं, तो इनर आपको इस तरीके से ये इनर मिल जाएगा, ठीक है, आपको इसी तरीके से ये इनर मिल रहा है। एंड एक्चुअली यू आर गेटिंग 2 लेयर ऑफ इनर, तो 2 लेयर ऑफ इनर मिले हैं हमें। तो पहले तो ऊपर ये यू नो ये सिल्क का फैब्रिक है, मरून इन कलर है जो, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। एंड इसके नीचे एक और इनर है, सेम ही यू नो सिल्क फैब्रिक का ये इनर है, जिसके साथ ये हाईली प्लेटेड कैन लगी हुई है। रियली नाइस, बहुत अच्छी कैन की लेयर, अच्छी अच्छी प्लीट्स बना के, यू कैन सी बहुत अच्छी तरीके से यू नो प्लीटिंग करके ये कैन लगाई गई है, जिससे यू नो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमनाइज रहेगा। तो पूरे आपको घेरे पर अपने ये कैन मिलने वाला है। यू आर गेटिंग 2 इनर्स विच इज जस्ट वॉल्यूमनाइजिंग इट इवन मोर। तो ऊपर आपको इस तरीके से फैब्रिक मिल जाएगा। वेस्ट आप देख सकते हैं इसी तरीके से वेस्ट, एंड मैक्सिमम 36 वेस्ट वालों के लिए परफेक्ट रहेगा। यू आर गेटिंग दिस लहंगा स्टिच, तो ये सेमी स्टिच नहीं आपको स्टिच मिल रहा है। यू आर गेटिंग अ जिप ओवर, जिससे यू नो अच्छे से यू नो एडजस्ट हो जाएगा। एंड यू आर गेटिंग अ डोरी, यू कैन से इस तरीके से आपको ये मिल रहा है। आप चाहे तो खुद भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट इन्होंने पहले से ही इस तरीके से ये बना के भेजा हुआ है, विच इज़ रियली नाइस। जस्ट इट इज़ रेडी टू गो, आपको बस चोली ही सिलवानी पड़ेगी। अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, फैब्रिक बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, बट ट्रस्ट मी हल्का फुल्का होता तो मतलब क्या ही लगा था इसमें। तो यू आर गेटिंग अ नाइस स्टफ, तो लहंगा बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि चोली दुपट्टा कैसा रिसीव होता है। मेरा चोली के लिए फैब्रिक, चोली के लिए कुछ इस तरीके से फैब्रिक मिल रहा है, वो जैसे इन पर्पल कलर, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करा हुआ है, जैसा पिक्चर में देख सकते हो पर्पल कलर में ही है चोली के लिए फैब्रिक। एंड जो फैब्रिक है दैट इज बेंगलोरी सिल्क, बेंगलोरी सिल्क का फैब्रिक है। एंड अंदर से कुछ इस तरीके से यू नो आई डोंट नो एग्जैक्टली से क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ पेपर जो होता है ना, काइंड ऑफ यू नो कॉटन जैसे होता है, नहीं क्या होता है यार, आई डोंट नो क्या बोलते एग्जैक्टली से। तो आपको इनर इसके साथ नहीं मिलने वाला, तो इनर इसके साथ नहीं मिलने वाला। पूरे चोली के फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से ये जरी और सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, सर्कुलर पैटर्न बने हुए हैं पूरे इंटायर। आपको चोली पर इसी तरीके से ये मिल जाएंगे। बॉटम ऑफ द चोली पर आपको इसी तरीके से जैसे लहंगा के बॉटम में था रेड वेलवेट फैब्रिक के ऊपर जरी एंड सीक्वेंस का वर्क हो रखा था, एग्जैक्ट वैसा ही फैब्रिक आपको इस तरीके से मिल रहा है। एंड जो ये चोली की लेंथ है दैट इज 1.25 मीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 36 मैक्सिमम 36 वर्स्ट वालों के लिए ठीक रहेगा। एंड स्लीव्स भी आराम से बन जाएंगे आपकी, स्लीव्स के लिए अलग से यहाँ से फैब्रिक दे रखा है, तो स्लीव्स बन जाएंगे। एंड मैक्सिमम 36 वर्स्ट वालों के लिए ठीक रहेगा। So, कुछ इस तरीके से फैब्रिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है फैब्रिक की, नो डाउट। इनर आपको इसके साथ नहीं मिल रहा है, तो इनर आपको खुद से लेना पड़ेगा। सो यार दिस हाउ द चोली फैब्रिक। सो इस तरीके से ये दुपट्टा रिसीव हुआ है। दुपट्टा मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा है, बिकॉज जो लहंगे का फैब्रिक था ना दैट वाज लीची सिल्क, तो वही एग्जैक्ट सेम फैब्रिक आपको दुपट्टे के लिए भी मिल रहा है. इट्स नो वेयर अ नेट और एनी अदर फैब्रिक. ये लीची फैब्रिक का ही दुपट्टा है एंड इसके ऊपर ये सर्कुलर गोल्डन कलर के ये पैटर्न बने हुए हैं जैसे इंटायर लहंगे पर बने थे. एंड आपको बॉर्डर ऑफ द दुपट्टा इस तरीके से मिला जैसे लहंगे का बॉटम था ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. एग्जैक्टली वैसे ही आपको इसी तरीके से आपको आपके दुपट्टे का बॉर्डर मिल जाएगा, बॉर्डर ऑफ द दुपट्टा पर मिल जाएगा. जैसे कि सी बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है. द फैब्रिक इज रियली नाइस. मुझे फैब्रिक ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. एंड जो लेंथ है इस दुपट्टे की दैट इज़ 2.25 मीटर्स. 2.25 मीटर्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेंथ आपको मिल रही है. एंड दुपट्टा भारी वर्कम भी है लाइक 2699 में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिल रही है. एज यू कैन सी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दुपट्टा. जैसे यू कैन सी कितना प्यारा है ना, मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया. एज यू कैन सी तो बहुत अच्छा है. आप बहुत ही डिफरेंट वे में से ड्रेप कर सकते हो, तो बहुत ही रॉयल लुक आने वाली है. और अब मैं इस लहंगे को पहन के बता देती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा लगने वाला है. सो या जस्ट वॉच इट. बहुत अच्छा लगा ये लहंगा मुझे. इसका जो प्राइस है दैट इज 2699 के अकॉर्डिंग ना डेफिनेटली मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है. मतलब इतने अच्छे इतने रीजनेबल प्राइस पर आपको इतनी प्यारी क्वालिटी मिल रही है ना, डेफिनेटली अगर आप बाय करेंगे किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आने वाली कि फैब्रिक नहीं अच्छा ये वो वगैरह वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. किसी भी अच्छी वेडिंग के लिए कैरी कर सकते हैं इस लहंगे को. बहुत ही अच्छी लुक आने वाली है. आई जस्ट लव इट अ लॉट एंड डेफिनेटली यू कैन बाय इट. लिंक ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. फिर भी अगर कोई भी क्वेरी बच गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे डीएम कर सकते हैं. मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी. एंड आई होप कि आप सबको ये रिव्यू अच्छा लगा हो. रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें. मेरा बिल्कुल बचाएगा. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे स्माइलिंग. बाय बाय.